ऐसा है, ये आज जो अमृतसर के अंदर ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन नॉर्दर्न रेलवे का ये वार्षिक अधिवेशन बुलाया है। ये जो हमारा एसोसिएशन का संविधान है उसके तहत हम हर जोनल रेलवे में ये इस तरीके के अधिवेशन बुलाते हैं और केंद्रीय कार्यकारिणी का भी अधिवेशन हमारा हर वर्ष होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम अपने लोगों को एकत्रित एक जगह पर करें और एकत्रित करने के बाद में जो वर्तमान की जो समस्याएँ हैं उनसे उन लोगों को अवगत कराएं और उन्हीं समस्याओं से सरकार को भी अवगत कराने का मौका मिलता है हम लोगों को। और जैसा कि आपने अभी पूछा मुझसे कि ये ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का पूरा पिछले कई सालों का इतिहास है कि इसने संघर्ष करते हुए यहाँ तक बुलंदी हासिल की है। आज हमारे पूरे देश में इस तरीके की भीड़ इकट्ठी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज आरक्षण को बचाने के लिए जितनी भी मुहिम चलती हैं वो ऑल इंडिया एस सी एस टी रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। जैसे कि हमने पिछले दिनों संसद मार्ग पर राष्ट्रीय दलित पंचायत को बुला करके आरक्षण को बचाने का काम किया, जो पदोन्नति में आरक्षण का बिल हमारा पेंडिंग लोकसभा में पड़ा हुआ है जिसको हम लोगों के पूरे सहयोग से पास कराया गया राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा में भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी बीच में हमारे कई सारे मुद्दे जो सरकारी जो न्यायालय हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़े हुए हैं जिसमें न्यायालय से निर्णय भी आते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आनाकानी प्रशासन करता है। जैसे कि अभी वर्तमान में एक निर्णय आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया कि अनुसूचित जाति जनजाति की जो पदोन्नति में आरक्षण जो है वो बरकरार रहेगा, जो 2010 से पहले की जो स्थिति थी उस हिसाब से काम किया जाएगा। यानी कि उसने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे कि रिजर्व टू रिजर्व और जनरल टू जनरल एंड ऑन मेरिट्स आपको प्रमोशन किया जाएगा, उसके बावजूद भी ये जो प्रशासन है इसमें आनाकानी कर रहा है और उसको इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से करके हमारे पदोन्नति में जो पदोन्नति होनी चाहिए उनको रोकने का प्रयास कर रहा है और प्रयास ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस आरक्षण को ख़त्म किया जाए। हम इसलिए यहाँ इन लोगों को इकट्ठा किया है कि आज पूरे नॉर्दर्न रेलवे के यहाँ डेलीगेट इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि ये सरकार हमारी बातों से संवेदनशील नहीं है, हमारी समस्याओं से संवेदनशील नहीं है और ये आरक्षण को बचाने के लिए कोई इस तरीके का काम नहीं कर रही। जैसे कि अभी माननीय बैरवा साहब ने बताया कि जो एट्रोसिटी का एक्ट बिल जो पास किया था उसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय में वो चैलेंज हो गया, और इसी तरीके से अगर ये पदोन्नति में आरक्षण का बिल भी पास कर देंगे जिस तरीके से पहले 85th और 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास हुए थे उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ और एम नागराज का डिसीजन आया और एम नागराज के डिसीजन के बेस पे जो हमारे आरक्षण को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया उसको लागू न करने का प्रयास किया गया, ये एक प्रक्रिया है आरक्षण को ख़त्म करने की। इसी प्रकार से अगर हम दबाव दे करके पदोन्नति में आरक्षण का 117वां संशोधन बिल पास करा भी लेंगे तो ये जो वर्तमान ये जो मनुवादी लोग हैं ये फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे और किसी भी तरीके से उसको चैलेंज करेंगे। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि कोई भी हमारा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित बिल है वो 9th शेड्यूल में डाला जाए जिससे कि कोई भी न्यायालय उसको छू न सके।